प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, पुराने जमाने में जब जंगें हुआ करती थी तो एक दूसरे के से जो लड़ा करते थे वो एक दूसरे के साथ दस्तोगिरबा हुआ करते थे, शमशीर जनी किया करते थे, एक दूसरे की ताकत को आजमाया करते थे। दोनों जानिब से बहादुर पहलवान मर्द एक दूसरे के आमने सामने होते थे और कुछ उसूल तय होते थे कि खवातीन को कुछ नहीं कहा जाएगा, बच्चों को, बुजुर्गों को कुछ नहीं कहा जाएगा, ना ही लाशों को पामाल किया जाएगा। नाज़रीन, अच्छा दुश्मन होना भी एक अच्छी किस्मत की निशानी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि जो हमारा दुश्मन है ना सिर्फ वो बुजिल है, ना सिर्फ वो ऐसे घटिया हथकंडों पर उतर आता है जिससे लोगों के सर शर्म से झुक जाएं, बल्कि वो पीठ पीछे वार करने पर भी अपनी जंगी स्ट्रैटेजी समझता है। यही हो रहा है नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हमारे फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है और जवाब में जब उनको मुंह की खानी पड़ती है तो जो अपना नुकसान है उसका जिक्र तक नहीं किया जाता, बस पे हमला कर दिया जाता है जिसमें खवातीन बच्चे शामिल थे। आम सिविलियंस, बॉर्डर के करीब रहने वाले लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर रहे हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है उनका, उन तक पर गोलाबारी की जाती है और कई पाकिस्तानी लुकमा अजल बन चुके हैं इस भारतीय बुजलाना कार्रवाई की वजह से। तो नाज़रीन, दुश्मनी के भी मयार हुआ करते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारा दुश्मन अपने इन मयारात से बहुत गिरा हुआ है। नाज़रीन, आज जो मौजू है उसको डिस्कस करने से पहले और मेहमानों का तारुफ आपसे करवाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ अहम चीजें और कुछ अहम फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखूं। नाज़रीन, भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी अभी भी जारी है और एलओसी की 200 बार खिलाफ वर्जी इस साल की जा चुकी है, पिछले चंद महीनों में मैं कहूंगा की जा चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने इस पर 16 मरतबा एहतजाज भी किया है, 14 मरतबा डेप्टी हाई कमिश्नर और 2 मरतबा हाई कमिश्नर्स को तलब भी इस सिलसिले में किया गया, जबकि नाज़रीन 120 से ज्यादा धरती शहरी और अहलकार इसमें जो है वो जख्मी भी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, लेकिन यह बुजलाना तरीकाकार और प्रोपेगेंडा भारत का कि इसका जिक्र नहीं किया जाता। नाज़रीन, मसला कश्मीर के ऊपर हम यह देखते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वानी की शहादत के बाद एक ऐसी मूवमेंट का आगाज होता है जो प्योरली इंडिजिनस है, जो प्योरली लोकल है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी फॉरेन हैंड से, उसको भी कर्ब करने की कोशिश की जाती है, वायलेंस से तशद्दुद का सहारा लिया जाता है। नाज़रीन, दुनिया की नजरें मसला कश्मीर से हटाने की कोशिश की जाती है, वज़ीर आला खिताब है उस पर बातें भी हुई, तनकीद भी हुई कि आधा अधूरा खिताब करके वो यूएन से वापस लौटे, लेकिन नाज़रीन अभी यह खिताब होना था और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मसला कश्मीर से नजरें हटाने की कोशिश की गई, भारतीय फौजी कैंप पर एक हमला होता है, ऐसा खुद साख्ता हमला जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान इस इल्जाम को रद्द करता है, तो हम आगे चल के देखते हैं कि एक दफा फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी भोंडा मजाक, रिडिकुलस, किसी ना कोई सर है ना कोई पैर है, एक ऐसा इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर प्लॉट्स हैं, जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, उन पर हमने हमला किया है, सर्जिकल स्ट्राइक खुद साख्ता बॉलीवुड मूवी समझ के जो है वो किया जाता है। नाज़रीन, ये तमाम चीजें हो रही हैं और अभी तक ये सब कुछ जारी है, लेकिन यहां पर सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है, क्या वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कायल कर सके कि दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं बल्कि बॉर्डर पार से भारत कर रहा है। हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब ने, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने, आपका भी बहुत शुक्रिया मीर साहब, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज़ैद हामिद साहब, सर मैं सबसे पहले आप ही की तरफ आता हूं, जो कुछ हो रहा है भारत कश्मीर में जो कर रहा है, जो बलूचिस्तान में न सिर्फ कर रहा है बल्कि इसको ऐलान करके कर रहा है, गवर्नमेंट रिस्पांस जो है आप इससे सेटिस्फाई हैं, मुतमइन हैं जो कुछ हमारा रिस्पांस आया? देखो अली, जो अनफॉर्चुनेट बात है, जो बदनसीबी की बात है वो ये कि पाकिस्तान एक हालत जंग में है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और जो कुछ इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, जो कुछ पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, ये सिर्फ आइसोलेटेड लाइन ऑफ कंट्रोल के इवेंट्स नहीं है। जैसे आपने कहा, वी आर सफरिंग फ्रॉम अ फिफ्थ जनरेशन वॉर, क्वेटा से लेकर, कराची से लेकर, पेशावर से लेकर, हमारे शहरियों के अंदर जो अर्बन वॉरफेयर, असिमेट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड जंग अंदर की जा रही है,
ये इस किस्म की डॉक्ट्रिन है जो आप इराक और सीरिया और लीबिया में देख रहे हैं आजकल, या यमन में देख रहे हैं, कि जिसमें बाहर से बड़ी फौजें हमला नहीं करती लेकिन मुल्क को अंदर गद्दारों की वजह से, इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल कोलैप्स की वजह से और दहशतगर्द प्रॉक्सी ग्रोहों को तैयार करके मुल्क को तबाह किया जाता है। सो ये बात, मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि ये जानने के बावजूद कि पाकिस्तान पर पिछले 15 साल से एक फिफ्थ जनरेशन वॉर है, इस हुकूमत के पास एक फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जो पाकिस्तान का केस ले जाकर पूरी दुनिया में प्रेजेंट कर सके, ठीक है, और पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया के खिलाफ एक बयान नहीं देता है। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को बुलाएं, कुलभूषण यादव को सामने बिठाएं और उनसे कहें देखो ये एक सर्विंग कर्नल, एक इंटेलिजेंस की तारीख में पिछले 20 साल में इतना बड़ा कूप दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि आपने एक सर्विंग ऑफिसर, एक इंडियन इंटेलिजेंस का पकड़कर दुनिया के सामने लाके रख दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रही। ठीक और है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम इस वक्त बहुत वल्नरेबल मोमेंट में है सर। मैं चाहूंगा कि इस वल्नरेबल सिचुएशन पर हम थोड़ा आगे जाके बात करें, लेकिन जो हमारा रिस्पांस है, मैं चाहूंगा बाकी मेहमानों से भी उसी पर उनका टेक ले लिया जाए। ब्रिगेडियर नादर मीर साहब, सर सर्विंग हमारे पास एक उनका ऑफिसर जो स्पाई के सूरत में आया था वो मौजूद है। जैद साहब ने ये कहा कि हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। इंडिया अपने उरी अटैक को, जिसको कहा गया कि हो सकता है कि इंजीनियर्ड हो, स्टेज्ड हो, इंडिया उन सो कॉल्ड फेक सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो गया। हमारे पास इतना बड़ा सबूत था सर, हम लैग कहां करते हैं ब्रिगेडियर साहब? अली, पहली बात तो यह है कि मैं बात कर रहा हूं एज चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, जो आप बताना भूल गए। राइट, माय व्यू, हमारी एक मूवमेंट है उसका, ये मैं आपको जो बात करूंगा उसका कंसोलिडेटेड व्यू है जी। ओके, सो दैट इज द व्यू, इट्स नॉट ओनली माय व्यू, हमारे पास एक मूवमेंट है, उनका ये व्यू है जो मैं आपको दे रहा हूं जी। जो बेसिक इशू है वो ये है कि इंडिया की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। इंडिया की पॉलिसी है कि पाकिस्तान इज द एनिमी, और पाकिस्तान की पॉलिसी इज टोटली कंफ्यूज्ड एज टू हु इज द एनिमी। ठीक है, ये असल इशू है। उसकी वजह है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिक्टेटर मुशर्रफ थ्रू पीपीपी गवर्नमेंट एंड देन दिस गवर्नमेंट एंड इंक्लूडिंग इमरान खान, जो कि रिसेंटली लंदन में शादी अटेंड कर रहा था किसी इंडियंस की, जबकि पाकिस्तान के बच्चे शहीद हो रहे थे। तो ये है हालात पाकिस्तान की इलीट के, जो पोलिटिकल इलीट ईद के दिन नमाज इधर नहीं पढ़ती, सारी लंदन में होती है। तो आप मुझे बताएं ना, कंफ्यूजन नहीं होगी तो और क्या होगी? देयर इज कंप्लीट क्लैरिटी इन द पाकिस्तान मिलिट्री, इन द पाकिस्तानी पीपल, एंड आपके जैसे ब्रिलियंट और स्मार्ट लोग भी मौजूद हैं मीडिया में हमारे पास। सो हमें यह पहले तयन करना है कि मसला किधर है। मसला इंडिया में नहीं है, मसला पाकिस्तान में है। मसला यह है कि आपने इंडिया को दुश्मन डिक्लेयर करना है। यू हैव टू डिक्लेयर इंडिया स्टेट पॉलिसी। ये नहीं जी हमें पता है आप दुश्मन डिक्लेयर करेंगे, उसके मुताबिक उनका हाई कमिश्नर हो या ना हो, उसकी ओवरफ्लाइट्स हो या ना हो, वो दहशतगर्दी करता है। देखें, इंडिया इज डूइंग अ हाइब्रिड वॉर। जो हमारी मूवमेंट है पीएनआर मूवमेंट, उसने इस पर क्लियर लिखा है, थीसिस भी दिया है, दिस इज अ हाइब्रिड वॉर, जिसका मतलब है मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ महाजों और मुख्तलिफ तरीकों की जंग आपसे कर रहे हैं। तो इसका जवाब, ठीक तो है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, है ना लोधी साहब, 65 की वॉर नहीं है। सो यू हैव टू जनरल साहब की तरफ बढ़ता हूं। जनरल साहब, सर आप एक इंतहाई अहम ओहदे पर रह चुके हैं। अब दोनों मेहमानों ने इंडिया को एनिमी स्टेट, दुश्मन स्टेट डिक्लेयर करने की बात की है। आपको लगता है कि इंडिया तो जिस रविश पर चल रहा है उससे तो यही जाहिर होता है, पाकिस्तान को यह कदम उठा लेना चाहिए, और अगर उठा लेता है पाकिस्तान सर, तो फिर क्या कैसे ताल्लुकात होंगे हमारे समसाय के साथ? आज मैं दो तीन बातें करना चाहूंगा, शुक्रिया जी सर। पहली बात तो यह है कि ये हिंदुस्तान की यारी और हिंदुस्तान की बुजदलाना कार्रवाई का जो आपने जिक्र किया, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो आप पूरी इनकी हिस्ट्री देख लें, ये इसी तरीके से यार हैं, इसी तरीके से बुजदिल हैं, इसी तरीके से पीठ पीछे वार करते हैं। ये दोनों मेहमानों की जो एक बात कॉमन है वो ये है कि हम हालत जंग में हैं, और जब जंग होती है तो तमाम कौम, तमाम इदारे मिलकर उसका जवाब देते हैं जी। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि इंडिया ये कर क्यों रहा है, उसको बहुत सारी बातों की बहुत तकलीफ है। उनको तकलीफ है उस मूवमेंट की जो कश्मीर में चल रही है, उनको तकलीफ है ज़र्ब अज़्म की कामयाबी की, उनको तकलीफ है सी पैक की कामयाबी की, और अब एक और नई तकलीफ उनके लिए पैदा हुई है कि रूस, चीन
और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के मसले के बारे में यकजा हो रहे हैं और उसके बारे में आपस में मुशावरत। लेकिन जनरल साहब हमें क्या तकलीफ है कि हम बात नहीं करते खुल के इस बारे में? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मेरा ख्याल सबसे बड़ा जो हमारी तरफ से कमी है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर इस बात को उठाने की है कि देखिए दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जब इस कदर कशीदगी पैदा हो जाए तो ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसको अगर सही तरीके से हम सही फोरम्स के ऊपर लेकर जाएं तो मेरा ख्याल दुनिया हमारी बात सुनेगी। मैं जनरल साहब आपके इसी नुक्ते को जैद हामिद साहब की तरफ लेकर चलता हूँ। जैद साहब जो बात जनरल साहब फरमा रहे हैं कि भारत एक अयार है, उसकी मकारी कोई नई बात नहीं है, भारत अयार, भारत मकार, क्या दूरी दुनिया में हम ही इतने भोले भाले रह गए हैं कि हम ही ने वो पीठ पीछे जो है वो छुरा हमारे घोंपा जाएगा और हम ही हर दफा शिकार होंगे इसका? ये मुझे कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये मेरा सवाल सर जैद हामिद साहब के लिए था। आपके नुक्ते को मैं जैद साहब की तरफ लेकर गया हूं। सर जैद साहब जी नहीं, मैं एक 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 बात मैं करना भूल गया। देखिए जो सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, जनरल साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर जाहिद साहब को मैं चाहूंगा इस पे उनका नुक्ता नजर ले लूं। जी जाहिद साहब देखिए अली, हमारा सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में रॉ के एजेंट्स हैं। MQM के बारे में तमाम ताल्लुकात उनके रॉ से एक्सपोज्ड हैं। महमूद खान अचकजई एक इंडियन एसेट है, रॉ के लिए काम कर रहा है। फजलुर रहमान उसकी लॉयल्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड है। और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है उन और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त है उनकी उनके बारे में तो कोई कहने की बात नहीं रह गई कि उनके क्या ताल्लुकात है पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ और रॉ के साथ। और जैसे हमारे पहले दोस्त ने कहा कि अब तो इमरान के बारे में भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि वो लंदन किस लिए गए थे। सो द पॉइंट इज कि जब ये आप बिट्रेल तो हमारे अंदर है, पाकिस्तान के मीडिया में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आर्मी और ISI लिख के दे चुकी है कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी आपने डॉन लीग का वाकया देखा है जिसके ऊपर इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। ये पाकिस्तान के अखबार इन्वॉल्व्ड है इसके अंदर, उससे पहले जियो के बारे में लिख के आर्मी और ISI ने दिया था। तो वी आर फेसिंग अ मल्टी एक्सिस वॉर, फिफ्थ जनरेशन वॉर। आर्मी ने सिर्फ इसके मिलिट्री एक्सिस पर रिस्पॉन्ड किया है अभी तक। इसके इकोनॉमिक टेररिस्ट जो है, जो मीडिया टेररिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं, उसको अभी तक हाथ नहीं लगाया गया। एंड इसी वजह से हमारी पुश्त में हमेशा खंजर मारा जाएगा। मैं इसी नुक्ते पे ब्रेक लेना चाहूंगा यहाँ पे। इट्स टू मच ऑफ अ क्लेम। ये बहुत बड़ा इल्जाम है जिस आपने की है कि पोलिटिकल पार्टीज में रॉक एजेंट्स, मीडिया में रॉक एजेंट्स, इदारों में रॉक एजेंट्स। इनकी नॉन सीरियसनेस तो हो सकती है टूवर्ड्स दिस इशू, लेकिन रॉक एजेंट कहना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस पर हम इसको रूल आउट नहीं करेंगे, बात जरूर करेंगे इस इशू पे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। जो शिकवा बार बार किया जा रहा है पाकिस्तानी आवाम की जानिब से, पाकिस्तान में मौजूद जो सियासी मुबस्सरीन हैं या फिर जो नजर रखते हैं हालात के हालात पर, वो ये कहते हैं जनाब जो रिस्पॉन्स हमारा होता है वो इतना मुतमइन तसल्ली बख्श नहीं होता, जबकि भारत की जानिब से मिलिट्री रिस्पॉन्स और जो पोलिटिकल रिस्पॉन्स है वो दोनों ही एग्रेसिव है। मैं चाहूंगा ये मुख्तसर सी एक रिपोर्ट है, आप देखिए कि भारत की जानिब से उनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या बात करते हैं और हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या बात करते हैं। जो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो बात करते हैं उस पर दलील ये दी जाती है कि जनाब सियासतदान है, डिप्लोमेसी के साथ चलेंगे। तो जरा फर्क दोनों आप दोनों में कितना फर्क है ये जरा मुलाहिजा करें। बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, उन 71 के दिनों को याद करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। हिंदुस्तान का जो बाबू गुफ्तगू आपने ये सुनी, मैं बाकी मेहमानों की तरह भी बढ़ता हूँ आपसे इसका चाहूंगा मौकफ। ठीक है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, एक कमी है, ठीक है, वहां के भी प्राइम मिनिस्टर की ये लैंग्वेज थी,
उन्होंने भी किस तरह से जो है पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया और हमारा रिस्पांस दे के हमारे पास इनका एक, एक रंगे हाथों पकड़ा हुआ इनका स्पाई मौजूद है और हमारा रिस्पांस देखें, तो फिर मैं इंटरनेशनली कैसे ये साबित कर पाऊंगा कि जनाब दहशतगर्दी का शिकार तो हम हैं। जैद साहब जी, अली हम यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम हमारा बिट्रेल अंदर से है। वी डोंट हैव नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया को हम रिस्पॉन्ड कैसे करें। आपने देखा कि ज़र्ब अज़ब में हमने उनके प्रॉक्सी एलिमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, एमक्यूएम के अंदर कराची में जो अर्बन इंसर्जेंसी थी उसको भी हैंडल किया जा रहा है। लेकिन जो बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सेस में, मीडिया एक्सेस में और इकोनॉमिक एक्सेस में जो दहशतगर्द है, जब तक आप उनको टच नहीं करेंगे वी आर गोइंग टू लूज दिस वॉर। सर कौन टच करेगा अगर आप पॉलिटिकल एडिट की बात करते हैं? बल्कि मैं ये सवाल ब्रिगेडियर नादर मीर साहब से करता हूं। ब्रिगेडियर नादर मीर साहब, क्या एग्री करते हैं आपसे कि आपकी बिट्रेल जो है या जो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है वो विद इन द कंट्री है? और अगर ऐसा है तो सर फिर कौन निपटेगा इससे? हमने पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट इसलिए बनाई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इलीट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर ये इतने अच्छे होते तो हम इन्हीं को ज्वाइन कर लेते, तो इसलिए ये मूवमेंट बनाई गई है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर नेशनलिस्ट, फॉर पैट्रियट्स, फॉर ऑल पाकिस्तानीज। इट इज नॉट अ पोलिटिकल पार्टी। अगर आप एम समझे हमारा सुने ना, टू यूनाइट पाकिस्तान, टू डिफेंड पाकिस्तान, टू रिफॉर्म पाकिस्तान, यहां तक एम है। ये सिंपल भी है, क्लियर भी है, सस्टेंट है। सर ठीक है, इसी वजह से बनी कि पाकिस्तान के अंदर द बिट्रेल, और वो बिट्रेल को आप समझे मुझे बात कंप्लीट करने देना, आप मेरी बात सुने तो सही ना। यू आर नॉट लिसनिंग, यू हैव टू लिसन फर्स्ट। आप पूरी बात सुनेंगे तो मैं बात करूंगा, पर मैं बंद कर देता हूं। इफ यू डोंट वांट टू लिसन, लिसन टू मी कंप्लीटली ना, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं कि लीव राइट नाउ। सर दिस इज सुनना है तो कंटिन्यू करें, वरना वी कैन फिनिश ऑफ। नहीं नहीं, आप फिनिश ऑफ, यू लिसन टू मी। ओके, यू लिसन टू मी। आप सो आई एम लिसनिंग टू यू सर, बट यू सुनेंगे ना, डोंट टॉक व्हेन आई एम टॉकिंग, प्लीज स्टॉप, स्टॉप टॉकिंग। सर दिस इज माय प्रेरोगेटिव टू टॉक, यू आर नॉट लिसनिंग ना, खामोश हो। नो सर, यू कांट शट मी डाउन लाइक दिस सर, आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन। ओ बात सुने भाई, भाई सुन लेना, उन आज से 100 साल पहले जंग जो थी फर्क थी, 100 साल पहले जंग फर्क थी, 50 साल पहले फर्क थी, 10 साल पहले फर्क थी, आज फर्क है, 10 साल के बाद जंग फर्क होगी। वॉर इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ डायनेमिक चेंज। अब जो वॉर है इसका नाम है हाइब्रिड, पहले ये समझे। ये दूसरा, अभी जो अमेरिका में इलेक्शन हुआ है उसमें कहा गया है कि जी प्यूटिन साहब ने या रशिया ने उस इलेक्शन में भी कुछ इन्फ्लुएंस किया है। सो ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये जो हाइब्रिड वॉर है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ये अगर आप लोगों को सुनने देना, ये हाइब्रिड वॉर जो है ना, ये ग्लोबल फिनोमेना है के लिए दूसरे मुल्क के अंदर जो पोलिटिकल एक्टर्स है, जो मीडिया है, जो जी जनाब, ये मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये समझने की बात है ना, कि लोगों को ये तो समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। वो एक मिनट मिलेगा तो पूरी बात होगी ना, वरना तो बात ही कट जाएगी। सर मैं आप ही के पॉइंट को विंडिकेट कर रहा था, मैं आप में दूसरे मुल्क को अंदर से भी राइट सर, मैं आप ही बेसिकली, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, मैं आप ही के पॉइंट को विंडिकेट कर रहा था, अगर आप समझ पाते इस बात को। जनरल साहब, सर आप इस पे क्या, आपका क्या मौके पर? सर एक बात, एनिमी स्टेट का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला था। आप क्या समझते हैं कि भारत को एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए इस मौके पर? मैंने सुन लिया। पहली बात तो ये कि दोनों साहिबान ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जंग है एक और किस्म की और हमारे ऊपर मसलत की गई है, लेकिन मैं इस बात से अग्री नहीं करता। अगर आप ये कहें कि ये सब लोगों ने बिट्रेल किया है या सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं। मेरे ख्याल एन मास तमाम पॉलिटिशियंस को ये कहना कि उन्होंने बिट्रेल किया है या ये कहना कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, ये थोड़ी सी सही बात नहीं है, ये बैलेंस्ड व्यू नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ना समझी ज्यादा है, इनको समझाने की जरूरत है, जैसे अभी नादर मीर साहब कोशिश कर रहे हैं जरा अच्छे तरीके से इनको समझाने की जरूरत है कि ये खास किस्म की जंग है, ये जंग नहीं लड़ी जा सकती जब तक के तमाम इंस्टीट्यूशंस इसको मिलकर ना लड़ें। इसमें डिप्लोमेसी सबसे आगे होनी चाहिए, इसके बाद पॉलिटिकल आपका एक स्टांस होना चाहिए, आपको इकोनॉमिकली अपने लोगों का ख्याल रखना है, और सबसे बड़ी बात मेरा अपना ये ख्याल ये है कि अगर आप कश्मीर की मूवमेंट को सपोर्ट करते रहें, अगर आप सीपैक में कामयाबी हासिल करते रहें, अगर आप ज़र्ब को कामयाबी से ख़त्म कर दें, और ये जो चाइना रूस का और पाकिस्तान का डायलॉग हो रहा है अफगानिस्तान का